हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेके आए हैं इकोनॉमी का पार्ट टू, जिसमें हम दो टॉपिक्स जो हमारे रह गए थे कल, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। गाइस, ये अक्टूबर मंथ की 2023 की मैगजीन है, विजन की मंथली मैगजीन है, उसको गाइस आज हम कवर करते हैं। इसका इकोनॉमी सेक्शन पूरा कंप्लीट करते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स अक्टूबर मंथ के हाईलाइट्स रहे उसके ऊपर देखते हैं। देखो, इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल टर्मरिक बोर्ड के बारे में। टर्मरिक यानी कि गाइस हल्दी के बारे में बात होगी, और इसी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई करा है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया जा रहा है स्टेट ऑफ तेलंगाना में। हल्दी के बारे में आप जानते हो, बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। हल्दी वाला दूध भी आपने पिया होगा, हल्दी की प्रॉपर्टीज, हल्दी का क्या क्या क्लाइमेट होता है, कैसे ज़रूरत है, क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ रही है एक नेशनल टर्मरिक बोर्ड, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे बड़ा जो इसका एक ऑब्जेक्टिव है, जिसकी वजह से हम नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाने की बात कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा गाइस ऑब्जेक्टिव समझो, सबसे बड़ा उसका ऑब्जेक्टिव है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम चाहते हैं इस प्रोडक्ट की और नए प्रोडक्ट इससे बनाए और कुछ इसमें वैल्यू एडिशन डालते रहे। अच्छा, हमारा ये भी ध्यान है गवर्नमेंट का कि इम्प्रूव हो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक हमारे इम्प्रूव हो, ताकि हम एक्सपोर्ट कर पाए टर्मरिक या टर्मरिक रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्वालिटी का ध्यान रखना है हमें, सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाने के लिए इस बोर्ड की रिक्वायरमेंट थी, ताकि सप्लाई चेन अच्छे से काम कर पाए। हम डॉक्यूमेंट करेंगे इसमें अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज कि कैसे कैसे ट्रेडिशनली पुराने ज़माने में यूज़ ऑफ टर्मरिक कैसे था, कहाँ कहाँ तक अप्लाई किया जा सकता है उसके बारे में। इससे रिलेटेड स्टडीज़ इनकरेज की जा रही हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स किए जा रहे हैं, ताकि इसकी प्रॉपर्टी जो है, इसका वेलनेस, हेल्थ, ये सारा कुछ इन्हांस हो सके। अच्छा, इस जो बोर्ड बनाया जा रहा है नेशनल टर्मरिक बोर्ड, इसके अंदर कौन कौन से लोग होंगे? चेयरपर्सन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेगी, चार मेंबर्स होंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आयुष और फार्मास्यूटिकल से आएंगे। अब आपके पेपर में गाइस सवाल ये आ जाएगा कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड में फोर मेंबर्स कौन कौन सी मिनिस्ट्री के होते हैं, तो याद रखना कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आयुष और फार्मास्यूटिकल्स के मेंबर्स होते हैं। 8 हज़ार मेंबर्स हैं जिन्हें टर्मरिक वैल्यू चेन से उठाया जाएगा और मेंबर्स को लिया जाएगा। प्रपोज जो पूरा है वो किसके अंडर आ रहा है, किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, ये पूरा जो प्रपोज बोर्ड है ये वर्क करेगा अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर काम करेगा। टर्मरिक का एक और नाम होता है करकुमा लौंगा। इंडिया में याद रखो, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, एक्सपोर्टर है टर्मरिक वर्ल्ड में। अगर टर्मरिक के लिए कैसा कैसा मौसम चाहिए, तो याद रखो ट्रॉपिकल प्लांट है, जिंजर फैमिली से बिलोंग करता है। इसके लिए अगर आपको ग्रो करना है टर्मरिक, तो इसे 20 से 35 डिग्री का टेम्परेचर रहना चाहिए, 1500 mm या उससे ज़्यादा बारिश होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड रेड लोमी सॉइल पे, याद रखना वेल ड्रेन्ड रेड लोमी सॉइल पे टर्मरिक की ग्रोथ की जा सकती है। राइजोम्स को हार्वेस्ट किया जाता है 9 to 10 months आफ्टर प्लांटिंग। इसमें कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं गाइस, याद रखना, उसका नाम क्या है, करक्यूमिन। इसके अंदर की वजह से, करक्यूमिन होने की वजह से ही टर्मरिक को कलर मिलता है, इसी वजह से इसके पास एंटीऑक्सीडेंट, जहाँ चोट लगती है ना, मम्मा हल्दी से कभी लगाया होगा, बचपनों में देखा होगा आपने, तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है, कहीं सूजन आ गई हमने हल्दी लगा दी, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी इसके अंदर है। कल्टीवेशन के लिए टर्मरिक को कल्टीवेट किया जाता है 3.24 लाख हेक्टर्स एरिया में। इसका प्रोडक्शन इंडिया में 11.61 लाख टन्स है, 75% से ज़्यादा ग्लोबल टर्मरिक प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, 30 वेराइटी का टर्मरिक हमारे इंडिया में है। लार्जेस्ट टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट याद रखना MTKT, यानी महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहीं पर रेड लोमी सॉइल और यहाँ पर आपको मिलेगा टर्मरिक की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा। बाहर देशों में जहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं, कौन कौन सी कंट्री हमसे लेती हैं, बांग्लादेश, UAE, USA, मलेशिया, इंडियन टर्मरिक हमारा बहुत ज़्यादा, और याद रखो 2030 तक इसका $1 बिलियन हम इससे पहुँचाया जा सकते हैं, इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होने वाली है, इसीलिए क्रिएट करा गया है। तो कंक्लूडिंग लाइन में यही है, एक सेपरेट बोर्ड हमें इसीलिए इस्टेब्लिश करना पड़ा, ताकि वो जो लॉन्ग डिमांड इसकी जो आगे है, फार्मर जो है उसको, उनको एक अच्छा एक बूस्ट मिल पाए, एक अच्छा होल्ड मिल पाए, टर्मरिक का एक्सपोर्ट वर्ल्ड में अच्छे से हो पाए, इसीलिए बोर्ड को क्रिएट किया गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपको पता ही है, लास्ट ईयर, अभी लास्ट मंथ ही, सॉरी, नोबल प्राइजेस दिए गए 2023 के, इसको अनाउंस किया गया। याद रखो नोबल प्राइज जो है इंटरनेशनल अवार्ड है, नोबल फाउंडेशन स्टॉकहोल्म स्वीडन के एडमिनिस्टर के थ्रू होता है ये। इसको लास्ट विल इसकी अल्फ्रेड नोबल थे 1895, उसी के बेस पर है ये। अल्फ्रेड नोबल एक स्वीडिश इन्वेंटर थे, एंटरप्रेन्योर थे, पॉपुलरली इन्होंने इन्वेंट किया था डायनामाइट, ब्लास्टिंग कैप, स्मोकलेस गन पाउडर, तो ये इन्होंने इंस्टीट्यूट करा 1901 में। प्राइज इसका अवार्ड जो है वो हर साल आपको पता है दिया जाता है। किन किन कैटेगरीज में दिया जाता है नोबल प्राइज, तो याद रखना
फिजिक्स केमिस्ट्री फिजियोलॉजी मेडिसिन लिटरेचर 20 इन सब में दिया जाता है। सिक्स कैटेगरी इकोनॉमिक्स फेयर इसमें दी जाती है। पहला इंस्टीट्यूट हुआ ना इकोनॉमिक साइंस में कब हुआ, 1968 में इंस्टीट्यूट हुआ, रॉयल बैंक ऑफ स्वीडन को 1969 में पहला अवार्ड मिला था। वॉट डू द विनर्स रिसीव, विनर्स को क्या मिलता है इसमें, विनर्स को मिलता है नोबल डिप्लोमा मिलता है, ठीक है, नोबल डिप्लोमा मिलता है, नोबल मेडल मिलता है, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलते हैं वहाँ के, ठीक है। दे हैव टू डिलीवर अ लेक्चर टू रिसीव द मनी, ये सब सारी चीज़ें। हु अवार्ड्स द प्राइजेस, तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी जो साइंस की है वो नोबल प्राइज़ देती है केमिस्ट्री फिजिक्स इकोनॉमिक्स वालों को। नोबल प्राइज इन लिटरेचर इज अवार्डेड बाई स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोल्म वालों के थ्रू। असेंबली जो है वो फिजियोलॉजी मेडिसिन में देती है। ऐसे ही यहाँ पर ये दिया जाता है प्राइज विनर्स को, लॉरेंस भी बोला जाता है क्योंकि वो एक बहुत बड़ा एक कंटेस्ट किया था। अच्छा, अब याद रखो इंडिया में किन किन को मिला है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को आपको नहीं भूलना चाहिए, उनको मिला था नोबेल प्राइज लिटरेचर में, उनको दिया गया था, ठीक है। उसके बाद देखो सी वी रमन जी को 1930 में मिला नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। हर गोविंद खुराना इनको मेडिसिन के लिए 1968 में दिया गया था। मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज मिला था 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को फिजिक्स में मिला था। मार्दे सेन जी 1998 इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला। वेंकट रमन आपके जो रामाकृष्ण थे उनको केमिस्ट्री में मिला। कैलाश सिद्धार्थी जी को अगेन पीस प्राइज जैसे उनको मिला था मदर टेरेसा जी को। अभिजीत बनर्जी जी को इकोनॉमिक्स साइंस में 2019 में दिया गया था, आपको ज़रूर याद होगा। इसमें हमने एलिवेट करने के लिए ग्लोबल पॉवर्टी के लिए उन्होंने जो फॉर्मूले बताए थे उन सब चीज़ों के लिए। अच्छा, इस बार जो हमें इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स वाला ज़रूर पढ़ेंगे। नोबेल प्राइज जो गाइस इस बार इकोनॉमिक्स में मिला है वो एक वुमेन है जिन्होंने लेबर फोर्स पे ज़्यादा बात करी है। तो वो इकोनॉमिक साइंस की मेमोरी जो है आपका स्विजिस रिश बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल 2023 हैज बीन अवार्डेड टू क्लॉडिया गोल्डिन, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से एडवांस अंडरस्टैंडिंग करवाते हुए वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स को बताया है। बहुत ज़्यादा हम देख ही रहे हैं बहुत पास्ट सेंचुरी से ही जो वुमेन का प्रपोर्शन है पेड वर्क में वो ट्रिपल हुआ है मैनी हाई इनकम कंट्रीज। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं लेबर मार्केट में बहुत बड़े बड़े सोसाइटल एंड इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं। और देखो हमारा फर्ज भी है ना जेंडर डिफरेंसेस खत्म करना, हमें 2030 तक अचीव करने हैं अपने SDGs। हमारा इनकम लेवल इन्हांस होना चाहिए, इकोनॉमिक एफिशिएंसी लेबर प्रोडक्टिविटी इनको इन्हांस करने के लिए जरूरी थी। तो क्लोडिया गोल्डन ने रिसर्च किया, न्यू एंड ऑफन सरप्राइजिंग इनसाइट दी है वुमेन के हिस्टोरिकल और आज की जो कंटेम्प्रेरी रोल है लेबर मार्केट में उसके ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है स्टेटस ऑफ जेंडर डिफरेंसेस की। तो ग्लोबल स्टेटस क्या है कि 50% जो वुमेन है वो पेड एम्प्लॉयमेंट में है और इसके अलावा 80% मैंने अगर इनके इक्विवेलेंट में देखो साउथ एशिया में 25% वुमेन पार्टिसिपेट करती है लेबर मार्केट में। इंडिया का स्टेटस देखोगे तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा फीमेल्स का 24% है जबकि मेल्स का 2022 में 73.6% था। एक कॉन्सेप्ट होता है उसको समझ लो वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है जिसमें कि लोअर लेबर इनकम है, लो जॉब सिक्योरिटी है, इसीलिए उसको बोल दिया वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट। और यहाँ पर वुमेन 77.3% है जबकि मेन 72.9% है 2021। तो यानी कि गाइस वल्नरेबल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है तो बंदा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लेकिन उसकी इनकम कम है और उसकी जॉब सिक्योरिटी भी लो है, तो उसी को हम कहते हैं वल्नरेबल अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर ये कह रहा है यू शेप्ड रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। यू शेप्ड रिलेशन किसका बता रहा है, बिटवीन डेवलपमेंट एंड दी फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट फोर्स में, है ना। तो वुमेन का जो लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स पार्टिसिपेशन है बहुत पुअर है, हाईएस्ट इन दी पुअरेस्ट कंट्री में बहुत ज़्यादा पुअर है क्योंकि वहाँ पर वुमेन ज़्यादातर एग्रीकल्चर करती है। मिडिल इनकम कंट्रीज में थोड़ा कम है, हाई इनकम कंट्रीज में तो फिर आपका जो पार्टिसिपेशन रेट है वो अच्छा खासा है उसमें देखने को मिलता है। अर्निंग गैप्स बहुत ज़्यादा हैं, अगर वैन काम करती है वुमेन तो उसको बहुत कम मिलता है। इंडिया के अंदर जेंडर गैप बहुत स्क्यूड है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स में, तो इन इंडिया अर्निंग गैप को रिड्यूस करा गया, वुमेन 76% अर्न करती है मैन 2017 के कंपेरिजन में लाइक इट। तो उसके बाद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई हैं वुमेन के लिए फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में भी। अब देखो ये ग्राफ है जो बहुत सुंदर ग्राफ है, इवन यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इन योर आंसर राइटिंग कि इवोल्यूशन वुमेन का बताया है वर्कफोर्स में। देखो मैरिड वुमेन इन वर्क और ये वाला आपका दिखा रहा है एक्सपेंडिंग एजुकेशन की वजह से क्या क्या हुआ। पहले वुमेन जो काम करती थी शादी जल्दी हो गई और फटाफट उसके एग्रीकल्चर में लग गई, फिर इंडस्ट्री में धीरे धीरे आई, सर्विस सेक्टर में आने लग गई, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से उसको हर वक्त मैटरनिटी वाला झेलना नहीं पड़ता है। चेंजिंग एक्सपेक्टेशन क्योंकि अब वुमेन से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पढ़ी लिखी हो
वो एक ऐसी सोच जो समाज में फैमिली के लिए भी पढ़ी लिखी वुमेन आए, एक्सपेंडिंग एजुकेशन, कह रहा है एजुकेशन के बढ़ने से ऐसे ऐसे हो पाया। अब यहाँ पर मैं और अच्छे से आपको समझाने जा रही हूँ कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहली चीज है आपका यू शेप्ड कर्व, यानी कि प्रीवियसली ये कंक्लूड किया गया था क्लियर पॉजिटिव एसोसिएशन है बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड नंबर ऑफ वुमेन इन पेड एम्प्लॉयमेंट। गोल्डन जो इन्होंने बनाया है, यू कर्व बनाया है, इसमें बताया है कोई हिस्टोरिकली कंसिस्टेंट एसोसिएशन नहीं है, और ये सोशल नॉर्म्स जो हैं वो आपके जो मैरिज बार्स वगैरह हैं, कस्टम्स हैं, वो मैरिड वुमेन को हमेशा एम्प्लॉयमेंट से रोकते हैं, है ना। डिस्पाइट इंक्रीज लेबर है भी तब भी, डिमांड है भी तब भी नहीं जा पाती है कि वुमेन लेव द वर्क फोर्स एक्सटेंडेड पीरियड आफ्टर मैरिज। तो दिस इन्फ्लुएंस द डिसीजन रिगार्डिंग एजुकेशन चॉइसेस वगैरह भी, इसीलिए उनका हो जाता है लेटर स्टेज में कि चलो कोई ऐसा काम कर लेते हैं कि भाई जिसमें घर बैठे भी हम कर पाए, तो वुमेन तो ऐसे कैटेगरी में आ जाती है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से क्या हुआ, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आई, वुमेन की मैरिज डिले होने लग गई, चाइल्ड बर्थ में डिले कर सकते हैं, है ना, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, और इसमें एजुकेशन बढ़ गई, करियर प्रॉस्पेक्ट बढ़ने लग गए। तो दिस डजंट मीन कि अर्निंग गैप अभी भी खत्म हुआ है, कि डिसअपियर हुआ, कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं हुआ है, लेकिन हाँ कम होना शुरू हुआ है सिंस दी 1970s। मंथली पे सिस्टम है, तो डिस्पाइट इकोनॉमिक ग्रोथ जो आपके इंक्रीजिंग एजुकेशन लेवल्स हैं अमंग वुमेन, और वो प्रपोर्शन जो उनका वर्क का है वो अभी क्या थोड़ा सा तो उसका रहता है, मतलब फिर भी कुछ कुछ कम हुआ है लेकिन है। अबेंडनिंग लाइक पीस मील जो वर्क है उसका पेड इन रिलेशन टू देयर प्रोडक्टिविटी एडवांस, उसका मंथली वेजेस वगैरह, थोड़ा सा मॉडर्न पे सिस्टम स्टार्ट हुआ है। पेरेंटहुड भी अफेक्ट करता है वुमेन की, है ना, यू शेड, इसीलिए तो वुमेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा लेती है। देखो चाइल्ड केयर में उसको पूरी केयर इकोनॉमी तो उसके हाथ में ही है ना, प्रोग्रेशन करना, उस बच्चे की प्रोग्रेशन में काम लगाना। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं लेबर मार्केट में जो एक्सपेक्ट करते हैं एम्प्लॉइज को टू कंसिस्टली अवेलेबल, है ना, वुमेन हमेशा अवेलेबल रहे, ये उसके साथ प्रॉब्लम रहती है क्योंकि फिर चाइल्ड बर्थ है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ रहती है। तो वे फॉरवर्ड में इन्होंने बताया कि देखो रिड्यूस कैसे कर सकते हैं जेंडर डिफरेंसेस वर्क फोर्स में। सबसे पहले ना हम ऐसे पॉलिसी मेकर्स को लेकर आए, ये पॉलिसी मेकर्स असेस करके देखें कि हु वॉन्ट टू अफेक्ट दीज डिफरेंसेस। पहले तो यही अंडरस्टैंड करें कि अफेक्ट कौन होता है एंड वाई इट इज एग्जिस्ट। कलेक्टिव एक्शन हो, यानी कि एक बोल्ड एक्शन लेने की ज़रूरत है कि जो पब्लिक है, आपके प्राइवेट सेक्टर लीडर्स हैं, वो इसकी ग्रोथ के बारे में सोचें कि कैसे जेंडर पैरिटी को अच्छा किया जाए। इन्वेस्टमेंट में कह रहा है कि वुमेन का इक्वल एक्सेस होना चाहिए इन्फॉर्मेशन में, एजुकेशन में, हेल्थ केयर रीप्स में। तो ब्राज़ील ने इंट्रोड्यूस किया इसी बात पर इमरजेंसी एड कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम अर्ली किया था पैंडमिक में, ताकि जो डबल हो वुमेन का बेनिफिट, वुमेन जो लेट कर रही है, हाउस होल्ड है बेचारी, है ना, डिक्रीजिंग पॉवर्टी रेट को ख़त्म करने के लिए करा गया था। इसीलिए ब्राज़ील ने क्या करा, इमरजेंसी एड कैश ट्रांसफ़र किया था। उसके बाद देखो कॉन्जुनियल इन्वायरमेंट रिफॉर्म्स अगर आप कर देते हो टैक्सेशन में, पब्लिक स्पेंडिंग में पैसा लगाते हो, फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करते हो, ये बैरियर्स खत्म करेंगे। नॉर्वे में एक्सपेंड करने के लिए यूनिवर्सल चाइल्ड केयर के लिए उन्होंने क्या करा, लाइकलीहुड मदर के एम्प्लॉयमेंट का 32% बढ़ा दिया गया। सोचो ये इस तरह से कुछ करना पड़ेगा, तब वुमेन आएगी ना, काम करेगी और वो उसको अच्छे से कर पाएगी। फिर आगे यहाँ पर ये कह रहा है कि टैकलिंग बायसेस एंड सोसाइटल नॉर्म्स, ये भी बहुत ज़रूरी है काम, कि अगर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होएगा, सोसाइटल का नॉर्म है और वो इकॉनमी को इन्हांस करेगा $6 trillion तक अकॉर्डिंग टू दी OECD, तो ऐसी कॉस्ट जो है आपकी कैन बी रिड्यूस्ड ऑल्सो। तो जेंडर बेस्ड जो आपका टैकल अगर हो जाता है, बायसेस अगर इसके ठीक हो जाते हैं, तो टैकलिंग बायसेस एंड सोसाइटल नॉर्म्स, इससे क्या होगा, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आपका जो वर्ल्ड इकोनॉमी को $6 trillion तक लेके जा सकता है। ऐसी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए आपको सोशल एंड लीगल एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है, कि अंडर एज मैरिजेस ना हो, बिल्कुल डोमेस्टिक वायलेंस को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए, नंबर ऑफ इलेक्टेड फीमेल ऑफिसर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। इसीलिए आपको याद होगा हमारी वुमेन रिजर्वेशन बिल आ चुका है, जिसमें 1/3 सीट्स किसके लिए बोली गई है, कि वुमेन को दी जाए। वुमेन होगी तो देखो सोचेगी ना वो दूसरी वुमेन के लिए भी, फिर एक अच्छा निकल कर आएंगे। माइक्रो फिनेंस उसका एक्सेस बढ़ाओ वुमेन के लिए। इंटरनेशनल ग्रोथ सेंटर प्रोजेक्ट जो इंडिया का है, उसमें ऐसा पाया गया है कि ग्रेटर एक्सेस माइक्रो फिनेंस लोन्स का बढ़े, जिससे फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसका ड्राइव करो, कोई सैलरीड जॉब ज़्यादा उसके नहीं कर पाते ना, सैलरी जॉब में आप फंस जाते हो, तो वही सारी चीज़ों पर कई बार वुमेन को छोड़नी पड़ सकती है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो
वो अपने ही बिजनेस करें, स्टार्टअप्स वुमेन क्यों नहीं कर सकती, उसके लिए भी माइक्रो फाइनेंस को इन्हांस करने की बहुत ज्यादा गाइस जरूरत है। नाउ योर इकोनॉमी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट शॉर्ट्स गाइस। तो शॉर्ट विल बी कवर इन द शॉर्ट्स ओनली, आप शॉर्ट वीडियोज में आप देख लीजिएगा, शॉर्ट का पूरे टॉपिक को इस तरह से कवर करना है आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला, हैव अ नाइस डे टू ऑल।